हेलो फ्रेंड्स, हेलो भक्तों, सत साहिब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि अभी जो है हमारे घर पे कचौड़ियाँ बन रही हैं आलू भरी हुई। ये देखिए गाइस, चूल्हे पे बनेंगी हमारी आलू भरी कचौड़ियाँ। इधर मम्मी बना रही हैं, ये रखा है हमारा आलू का भरता, और ये कुछ कचौड़ियाँ बन चुकी हैं। इधर है मम्मी, और ये है हमारा चूल्हा जिस पे कढ़ाई रख चुकी है, उसमें तेल भी है। तो गाइस, हम कचौड़ियाँ निकालेंगे और मम्मी उसको बेलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और पीछे आप देख चुके होंगे कि हमने घर पे कचौड़ियाँ बनाई थी, वो हमारा कल का वीडियो है। और फिर से एक नया वीडियो बनाने पहुंच चुके हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पे रनिंग करने। और तो हमने सोचा यहाँ का फिर से आज न्यू ब्लॉग बना लिया जाए। 6:48 हो चुके हैं क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं। जो हमारे शिवानी दोस्त है वो अब आती नहीं है क्योंकि मतलब कि गेहूँ वगैरह कटाई हो रही है, इस वजह से वो नहीं आ रही है। और हम और सुबह आए हुए हैं, हमारी साइकिल रोड पे खड़ी हुई है। तो गाइज, अभी हम यहाँ पे रनिंग करने हैं। और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर जाकर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में हमेशा टाइम पर पहुँच जाए। लाइक करने के लिए आपका बहुत दिल से मैं मतलब आपका शुक्रिया करती हूँ। एक्सरसाइज इस पेड़ में, क्योंकि गाइज हमारे गांव में जिम की ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे लगे हैं, जिम ही लगता है बिल्कुल, वहाँ से बहुत अच्छा लगता है। गाइज यहाँ पे हमें कुछ पीकॉक देखने को मिल गए हैं, बहुत ही सुंदर है। कैमरे में इतने सुंदर तरीके से नहीं एडिट हो पा रहे हैं, ऐड हो पा रहे हैं, तो गाइज मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सूखे पेड़ पर बैठे हुए हैं, इसमें कुछ बोया हुआ है खेत में, इसलिए हम जाएंगे नहीं अंदर। ये देखिए गाइज, सब गाइज इधर ही देखने लगे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त, और फिर से मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। सत साहिब।